अल्लाम वरमि वरक आप तमाम हजरात का इस लाइव खिताब में इस्तेबाल किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ हाफिज़ अब्दुल्स हिज़ुल खरान प्लस के तलब इम जिनका ताल्लुक बिहार से है कि खिरत कलाम पाक से आगाज़ होगा اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا كادو يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا صدق الله العظيم عليكم व الله وبركاته फिर एक मरतबा आप तमाम सामाइन का नाजरीन का फिर से एक मरतबा इस्तवाल किया जाता है क्रन प्लस और मदरसा प्लस के इंट्रोडक्शन के लिए ये खिताब रखा गया है जैसा कि आपने सुना है शाहीन ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस बीदर की जानिब से और मुल्क भर के साठ बड़े मदारिस के तान से और साथ ही साथ मुल्क भर के कुछ तंजीमों के तान से हफ़ास जो असरी तालीम से बिल्कुल ही नाबलद हैं उनको अट्ठारह महीने के वक्फ़े में एन आई एस के जरिए टेंथ एग्जामिनेशन पास कराने का मीर के साथ सलाहियत के साथ पास कराने का मंसूबा है शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में हाफज़ों को अस्सी तालीम से जोड़ने का प्रोग्राम गुजत बारह तेरह साल पहले शुरू हुआ था और बिल्कुल इब्तदा पैंतीस साल पहले जब शाहीन प्री प्राइमरी सी प्राइमरी के साथ जब शुरू हुआ था तब शाहीन आ, का टारगेट था कि दीनी वसी तालीम का एक हसीन इम्त हो उस वक्त ही हम तय किए थे कि किलबा की तमाम तर तली ज़रूरत शाहीन इंस्टीट्यूशन स्कूल पूरी करेगा तमाम तर ज़रूरत तो फौरी एहसास हुआ कि दीनी तालीम एक यकीन तालीमी ज़रूरत है अहम तलीरत है तो क्लास रूम में दीनी तालीम ज़रूरी दीनी तालीम का इंतज़ाम किया गया फिर और फौरी एहसास हुआ कि नाजरा कुरान भी एक अहम दिनी तालीमी ज़रूरत है तो नाजरा कुरान का इंतज़ाम क्लास रूम में शुरू किया गया एल के जी यू के जी फर्स्ट में कैदा पढ़ाया गया फिर सेकेंड स्टैंडर्ड में एक साल में तीस पारी मुकम्मल क्लास रूम में पढ़ा कर उनको थर्ड में जाने से पहले पहले फिफ्थ मुकम्मिल कराने का एक तरीक़ार शुरू किए और थर्ड से पहले पहले नाजरा से वाकई बच्चों को ही सेकंड स्टैंडर्ड में पास करके थर्ड स्टैंडर्ड में भेजा जाता था इस तरह से आ, जहीन ख़्वाहिशमंदबा को सेकंड पास तलबा को एक शोब हम शुरू किए और उसमें हिप्स के लिए 80 परसेंट वक्त दे, देने का सिस्टम हुआ और 20 परसेंट वक्त मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस के लिए देने का तय हुआ और ये सिलसिला चला ये ये बच्चे थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीन साल में हिज़ मकम्मिल करना शुरू कर दिए और वो भी दो चार पाँच दौर के साथ फिर बाद में उनको सिक्स स्टैंडर्ड में रेगुलर स्कूल में दाखिला दिया गया कुछ ही दिन में उनकी बुनियादें ठीक करने के बाद वो अपने साथियों से बेहतर परफार्मेंस देना शुरू करे और कर्नाटका के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लिए जैसे जैसे वो आगे बढ़े नाइन्थ टेंथ अलेवन टवेल्थ और प्रोफेशनल कोर्सेस में जाना शुरू हुए ये बड़ी हमको खुशी हो रही थी और जैसा कि मैं इब्तदाई में बताया कि शाहन का टारगेट था कि तलबा की तमामतर तालीदारा पूरी करेगा तो हम ट्यूशन बैन कर दिए ट्यूशन को मना कर दिए प्राइवेट कोचिंग को स्कूल के बाद जो कोचिंग के लिए बच्चे जाते हैं उनको हम मना कर दिए फिर उसके लिए एक तरीक़कार बना दिए और एक सिस्टम बनाने में कामयाब हो गए कमज़ोर बच्चों के लिए और उस प्रोग्राम का नाम उस डिपार्टमेंट का नाम रखे ए आई सी यू अकेडमिक इंटर्नशिप के एडमिट यानी ड्रॉप आउट बच्चों को भी उसमें लिए और वहाँ पे वो बच्चे इम्प्रू हुए माशाल्लाह प्रोफेशनल कोर्सस में जाना शुरू कर दिए एक तरफ हमारे हाफिज़ बच्चे सक्सेसफुल हो रहे थे दूसरी तरफ ड्रॉप आउट सक्सेसफुल हो रहे थे तो तकरीबन बारह साल पहले ये ख़्याल आ क्यों ना ये तरीकेकार मुल्क भर के हुफ़ाज़ के लिए इख्तियार किया जाए तो यकीनन इसके अच्छे नतायज निकलेंगे और ऐलान करें इस प्रोग्राम का नाम रखे हिफ्ज़ुल कुरान प्लस और कुछ बच्चे आ गए हरियाणा से बैंगलोर हैदराबाद से कुछ बच्चे आ गए तीस पैंतीस स्टूडेंट्स हुफ़ाज़ आए और उनको हम ए आई सी यू में रख कर उनकी रियाजी और ज़ुबानों को ठीक करने की कोशिश किए फिर बाद में उनको टेंथ स्टैंडर्ड में लिए और वो बच्चे सक्सेसफुल हो गए उसमें पहले ही बैच में एक हाफिज बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया था असरी तालीम से बिल्कुल ही ना था वो गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट रायचूर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का के, के लिए क्वालिफाई हो गया और वो आज एम बी बी एस मुकम्मिल करके प्रैक्टिस भी कर रहा है और पी जी का के लिए भी तैयारी कर रहा है तो इसके बाद एक के बाद एक बच्चे जो है माशाल्लाह सक्सेस होने लगे और इसके लिए कराम इधर विज़िट किए इस प्रोग्राम को पसंद करें और ख़्वाह ज़ाहिर करे कि इस नज़रिए को खयाल को आलम के कोने कोने में फैला दो तो हम बाहर इसका सफ़र करना शुरू किए लोगों के सामने इस बात को पेश करना शुरू किए अलहदुल्ला अब करीब बीस बाईस सेंटर्स चल रहे थे जहाँ पर पचास पच्चीस तीस हफाज को अस्सी तलीम से जोड़ने का सिलसिला चल रहा था गुजतः ढाई महीने पहले दो महीने पहले ख़्याल आया क्यों ना इसको मासिस तक पहुँचाए बड़े प्रोग्राम बड़े पैमाने पर इसको किया जाए तो कराम से मशवरा शुरू हुआ अल्लाह का बड़ा फ़जल हुआ एक टारगेट बनाए पाँच हज़ार वफास को हम असली तालीम से जोड़ेंगे उसके लिए तरीक़ार ये बनाएँ कि बड़े बड़े मदारस जहाँ पर गुंजाइश है जगह खाली है वहाँ पर उफाज को रखा जाएगा वहाँ पर हफाज रहेंगे मदरसा रहने खाने की ज़िम्मेदारी लेगा तरबियत की ज़िम्मेदारी लेगा और शाइन टीचर्स का इंतज़ाम करेंगे टीचर्स की सैलरी देंगे और तरीक़ार वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और टेंथ का एग्ज़ाम देंगे तो इसके लिए हम हमक्राम से बात किए माशा मुल्क के बड़े इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं और जिसमें सबसे पहले मौलाना हज़रत सैयद अरशद मदनी साहब सदर जमियतलमा हिंद मौलाना खालिद सैफुल्ल रहमानी साहब मौलाना सैयद मोहम्मद मदनी साहब महमूद मदनी साहब मौलाना बिलाल अब्दुल हई साहब मौलाना बदुद्दीन अजमल साहब और इसी तरह आश मिलत हज़रत मौलाना हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला मुगैसी साहब हज़रत मौलाना तोख़िर रज़ा ख़ान साहब हज़रत मौलाना अजगर इमाम महदी सल्फी दामद बरक़ा तम और इसी तरह मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब मौलाना इलियास भटकली नदवी साहब मौलाना मुफ्ती अहमद साहब देवला गुजरात फिर इसी तरह मौलाना मकसूद इमरान प्रशादी साहब और इसी तरह दानी फिरों में जनाब जफ़र महमूद साहब और जनाब ख्वाजा शाहिद साहब इसी तरह जनाब असलम परवेज साहब इसकी सरपरस्ती की ज़िम्मेदारी लिए हैं और उनकी निगरानी और सपोर्ट हिम्मत और के ज़रिए माशाल्लाह इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाने में कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ पचास मदारस के लिए टारगेट रखे थे साठ मदारस इसके लिए आगे आए और वहाँ पर ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और इसको आगे हम बढ़ाए हैं इन शह मज़ीद तो मदारस भी ख्वाहिशमंद हैं आ, लेकिन हम लेकिन हम जो है उसको माशा दो चार महीने के बाद मज़ीद मदारस को हम लेने के ख्वाहिशमंद हैं आ, अब इसको आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह के क़रम से टीचर्स के रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू हुआ और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से हम रिक्वेस्ट किए और उन उनके सपोर्ट से मुल्क भर में करीब बारह से पंद्रह सेंटर्स तय किए गए और वहाँ पर इंटरव्यू लिया गया हमको पाँच सौ टीचर्स की ज़रूरत है और पहले मरले में एक सौ टीचर्स का सिलेक्शन करके उनकी बीदर में ट्रेनिंग का अहतमाम किया गया और इसके बाद कराम को हम तरजीह दे रहे थे और हर सेंटर में एक आलम दीन को सेंटर हट बनाने की ख्वाहिश थे और वैसे तकरीबन पैंतीसम कराम का भी बीदर के सेंटर में उनकी ट्रेनिंग हुई और उनका तर हुआ है और अब हमारे टीचर्स इन एडवांस ये पूरे साठ मदारस तक पहुँचे हैं और मज़ीद टीचर्स का रिक्रूटमेंट चल रहा है साथ ही साथ के सिलेक्शन का मरहला भी शुरू हुआ है वैसे ये साठ मदारस में डेट तय हुई हैं और सारी तफसलत हमारी वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं हमारी टीम पहुँच गई है वहाँ पर मुफाज का सिलेक्शन हो रहा है उफाज के सिलेक्शन के लिए सिर्फ ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि ये मुफास चौदह साल से अठारह साल के अंदर के हों और इनका हिफ अच्छा हो इतना ही काफ़ी है सिलेक्शन के लिए और इसमें दो कैटेगरी बनाए गए हैं वो मुफाज जो जकवा़त के मस्क हैं उनके लिए मुकम्मल फ्री रहने खाने के साथ मुकम्मल फ्री किताबों के साथ और एग्जामिनेशन फ़ीस के साथ मुकम्मल फ्री इंतज़ाम रहेगा और जो तलबा ज़क़त के मुस्त नहीं हैं उनके लिए माहाना तीन हज़ार रुपये फ़ीस तय की गई है और कुछ खसूस मराक़ बनाए गए हैं लड़कियों के लिए छः मराक़ हैं जिसमें किशनगंज में हैं हैदराबाद में हैं और रामपुर में जामतहत एक बहुत ही पुराना मरूफ लड़कियों का मदरसा वहाँ पर लड़कियों को ऐसे ही लड़कियों को लड़कियों में आलिमा और हाफजा दोनों को ये पूरे मराक़ में मौका दस रहेगा और इसी तरह वो जो टेंथ पास हो गए हैं वो हफाज जो टेंथ पास हो गए हैं उनके लिए बीदर में हमारी हेड ऑफिस में बीदर के सेंटर में 200 सौ नशस्तें तय की गई हैं उसमें उनको बेसिक के साथ बिल्कुल बुनियादों के साथ वो टेंथ पास किए हैं और जानते कुछ नहीं हैं तो ऐसे हफाज को और को बुनियादों के साथ उनकी बुनियादें ठीक करके उनको एलवन्थ और ट्वेल्थ कराया जाएगा इसी तरह ट्वेल्थ पास हफाज और कराम हैं और कुछ नहीं जानते हैं तो उनको बुनियादें ठीक करते हुए उनको ग्रेजुएशन में एडमिशन के काबिल बनाया जाएगा और इसी तरह ग्रेजुएट कराम भी अगर हैं तो उनको भी मौका रहेगा उनको उनकी बुनियादें ठीक करके उनको पढ़ा कर उनकी लैंग्वेजेस और को ठीक करके उनको बी एड कोर्स में एडमिशन के काबिल और दीगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए उनको तैयार करेंगे ये हमारा मंसूबा है ये अब जो है हमारा तरीक़ार है ए आई सी यू का उसमें एक टीचर और छः तलबा हुआ करते हैं तो इब्ता में हम हर सेंटर को दस टीचर्स भेज रहे हैं और वहाँ पर वन इस टू सिक्स के रेशो से ही चलेगा और कुछ दिन के बाद वहाँ पर वन इस टू ट्वेंटी फाइव इस टू थर्टी आ, का रेशो जब आ जाएगा एक क्लास में तीस अफवाज रहेंगे आ, तो टीचर्स की जो है ज़रूरत कम होगी तो इस तरह से पाँच से छः टीचर्स आ, ये नए तलबा को मदरसा प्लस के तलबा के लिए अपना वक्त देंगे बाकी हमारे टीचर्स उस मदरसे में आ, पहले से मौजूद जेर तालीम हिफ्स के शोबे के बच्चों के लिए नाजरा वालों के लिए और आलिमियत के जो बच्चे हैं उनको फिर मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस पढ़ाते हुए ए आई सी यू क़ायम करके वहाँ पर उनकी बुनियादें ठीक करेंगे और उनको रफ़्तर रफ्तार टेंथ पास कराने का के लिए मदद करेंगे येमाय कराम पहले से तय कर दिए हैं जैसा कि मौलाना अरशद मदनी साहब का ऐलान हो गया था कि आलिमियत में दाखिले से पहले बच्चे टेंथ पास कर लें हुफास टेंथ पास कर लें उस मकसद के हसूल के लिए अलहमदिल्ला शाहन और ये तमाम इक्राम की सरपस्ती में और ख़ास तौर पर जमीयत ओपन इस्कूल के साथ हमारा एग्रीमेंट है जमीयत तो ओपन स्कूल से के साथ हम मिलकर ये काम कर रहे हैं और, और स्टूडेंट्स के सिलेक्शन का प्रोसेस चालू हो गया है और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं मैं तमाम मुल्क भर के तमाम कराम मदारस के ज़िम्मेदारान एन जी ओज़ को रिक्वेस्ट करता हूँ अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस प्रोग्राम को हफा तक पहुँचाएँ और इस ज़्यादा से ज़्यादा हफाज इससे इसका बेनिफिट लें यकीनन तमाम की दुआएं हैं और सरमा कर की सरपस्ती है जब से ये हम प्रोग्राम शुरू किए हैं हर तरफ़ से एक अप्रिशिएशन एक सताइश और दुआओं का सिलसिला जारी है और इन तमाम दुआओं के नतीजे में आ, हम आगे बढ़ कर इन ये काम करेंगे कुछ सवाल भी आ रहे हैं आ, उस पर हम इन शस्कस करेंगे हाँ किसी की ख्वाहिश है कि विजयवाड़ा में एक शाख क़ायम हो जाए तो इन शह तीन चार महीने के बाद ये प्रोग्राम शुरू होने के बाद यानी बीस मई को क्लासेस का आगाज हो जाएगा वक्त वाहद में तमाम मराकज़ में तो बीस मई के बाद दो चार महीने के बाद इन शाह इन के लिए तल्लुक से भी गौर किया जाएगा कुछ एक सवाल ये भी आया है कि आप अट्ठारह महीने के बाद ये एन आई से टेंथ पास करने के बाद इन बच्चों को क्या करना होगा देखिए हम रिक्वेस्ट किए थे थोड़ी हमारी ये गुफ्तु हुई और हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो गुलबर्गे से डॉक्टर मुजीब साहब तशरीफ़ लाए अल बदर डेंटल कॉलेज के सदर वो बीदर तशरीफ़ लाए और अपना ऑफ़र दिए हैं के हुफाज के लिए मैं एक कोटा मख करने जा रहा हूँ और इंडिया भर के हुफाज में से पाँच हुफाज को मैं डेंटल कॉलेज बी में रहने खाने के साथ फ्री इंतज़ाम करूँगा ये ऑफर दिए हैं इसके अलावा दूसरे भी कोर्सेस के लिए आ, हमको आ, वो लोग जो है ऑफ़र किए हैं इसके अलावा ओसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रामनगरम का ऑफ़र है कई और कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस फार्मेसी कॉलेजेस यूनानी कॉलेजेस, फार्मेसी कॉलेजेस इस तरह से कई कॉलेजेस इस प्रोग्राम के साथ जुड़ हैं और मैं मुल्क भर के तमाम स्कूल्स कॉलेजेस से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो हम इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएं मदरसा प्लस असोसिएटेड इंस्टीट्यूशन की लिस्ट में शामिल हो जाएं और वो हम भी उनकी तशहर करेंगे हमारी वेबसाइट पर उनकी तफसलत डालेंगे और वो कुछ तो कुछ हफाज के लिए मौका देंगे तो इनशाला इनशालाफाज के लिए आगे मौका मिलेगा मुफाज को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं हम देख रहे हैं कि हमारे पास के बच्चे जो नीट में सक्सेस हो रहे हैं उनको लोग आगे बढ़कर सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं हैंफाज बड़ी आरजों से बड़ी मेहनतों से तैयार होते हैं मदरसे के जिम्मेदारों की महतम की, की टीचर की इंतज़ामिया की आर्जुएँ होते हैं माँ बाप की आर्दुएँ होते हैं ख़ानदान की आर्दुएँ होते हैं जो इस्पॉन्सरशिप कर रहे हैं सपोर्ट करने वाले हैं उनकी भी आर्दुएँ होती हैं ये बड़ी आर्दुओं के साथ जो है उफाज एक एक बच्चा हाफिज़ बनता है और उसके बाद वो ज़ाय होते हैं अक्सर लोग बच्चे ज़ाय हो जाते हैं वो बड़े कारद हैं और मुफाज अगर नीट में जे डबल में या और किसी कोर्स में क्वालिफाई हो जाएँ तो वो मिलत फॉम दुनिया उनकी मदद के लिए हमेशा हमेशा इन तैयार रहेगी एक सवाल आया है नीट फ्री कोचिंग के बारे में बताइए देखिए वैसे हफाज के लिए मौका है इसी साल भी है और आइंदा ये बच्चे काबिलियत अपनी का इजहार करेंगे मुजाहरा करेंगे मेहनत करेंगे तो उनके लिए नीट की कोचिंग का भी यहाँ पर इंतज़ाम है इस साल भी ट्वेल्थ पास हफाज के लिए इसमें पूरा पूरा मौका रहेगा और अभी हमारा एक रिज़ल्ट आया है माशा आपको सबको सुनकर बड़ी खुशी होगी कि एक रिज़ल्ट आया है वो मुफाज जो चार साल पहले शाहीन में आए थे उसमें से अट्ठावन हफाज ट्वेल्थ का कर्नाटका स्टेट बोर्ड से साइंस का ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दिए हैं जिसमें से आठ मुफाज डिस्टिंगशन इम्तियाजी निशाना से कामयाब हुए हैं और थर्टी सिक्स मुफाज फर्स्ट क्लास हैं दस हफा सेकेंड क्लास हैं और मजमू नतीजा अलहमदिल्ला नाइन्टी सिक्स पॉइंट फाइव आया है यानी कि सिर्फ दो हफाज एक एक सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हैं बाकी सारे उफाज साइंस से बायोलॉजी और मैथमेटिक्स पी सी एम बी के साथ कर्नाटका इस्टेट बोर्ड से यहाँ जो जिसको कर्नाटका में पी के नाम से कहा जाता है ये पास हुए हैं और ये साथ ही साथ नीट की भी तैयारी कर रहे हैं और आप इन दुआ फरमाइए एक बड़ी तदाद पास की इस साल नीट का एग्जाम दे रही है गुज्त साल हाफिज हाफिजाल अली छः सौ अस्सी मार्क्स लाते हुए शाहीन में भी टॉप किया था और वो बीदर डिस्ट्रिक्ट का टॉपर था वो अब भोपाल में एम्स भोपाल में एम फ़र्स्ट ईयर मुकम्मल कर रहा है हम उम्मीद कर रहे हैं गुजा सा साल बारह हफाज को गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट मिली थी और इससे ज़्यादा हम पच्चीस तीस हफाज की इस साल उम्मीद कर रहे हैं सात मई को नीट का एग्ज़ाम है आप तमाम से जो है इन हफाज के लिए और सारे बच्चों के लिए खसूस दुआओं की हम दरख्वास्त करते हैं ट पास स्टूडेंट्स को ए की ज़रूरत है हाँ जो बच्चे बग़ैर सलाहियत के बहल किसी तरीके से सर्टिफिकेट ले लिए हैं गेट पास ले लिए हैं उनको कुछ भी नहीं आता उनको बेसिक कुछ भी नहीं आता वो जस्ट पास हो गए हैं तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उनको झिझकने की ज़रूरत नहीं है फ़ोन आता है हमारे स्टाफ को मुझे भी फ़ोन आता है बार बार पूछते हैं कि भाई उसको कुछ भी नहीं आता क्या उसको मौक़ा मिलेगा हाँ यकीनन ज़रूर मौक़ा मिलेगा एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट में हम उफास को बिल्कुल बुनियाद के साथ ए बी सी डी के साथ उनकी को शुरू करते हैं और उनको देखते देखते दो ढाई महीने तीन ज़्यादा से ज़्यादा तीन महीने के अंदर अंदर उनको क्लास में बैठने के काबिल बनाए जाते हैं यू पी एस सी के ताल्लुक से सवाल है हाँ अगर कोई ग्रेजुएट हैं तो उनके लिए आ, ऐसा हम मौका देते हैं कुछ बच्चे अलहदुल्ला इसमें कोशिशें कर रहे हैं और सक्सेस भी हो रहे हैं यूपीएससी में मुख्तलिफ को एग्ज़ाम्स एक, होते हैं इस तरह से होता है एक सवाल है एनी सेंटर इन कश्मीर वाली यहाँ एक सेंटर है पोंच में यह है ये जो है देखिए बहुत सिंपल है मदरसा प्लस हमारी वेबसाइट है मदरसा प्लस अभी आप उसको ओ, ओपन कीजिए मदरसा प्लस ओपन करके उसमें जाकर देखिए ब्रांचेस में जाइए सारे मदरसे जो है आपको वहाँ आ जाएंगे वहाँ का लोकेशन वहाँ की कितने हफाज के लिए गुंजाइश है और वहाँ के ज़िम्मेदार कौन हैं जोनल कोऑर्डिनेटर कौन है और जोनल एडमिनिस्ट्रेटर कौन है उनका फ़ोन नंबर नाम हर एक का रखा गया है वहाँ उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया जा सकता है और वहाँ पर एडमिशन लिया जा सकता है तो इस तरह से आ, मैं गुज़ारिश करूँगा जो लोग जानने वाले हैं आ, इदारों के ज़िम्मेदार स्कूल के टीचर एन जी ओस फलाही काम में लोग नौजवान तलिम याफ़्ता नौजवान टीचर्स उनसे मैं गुज़ारिश करूँगा किफाज को जहाँ कहीं भी उफाज हैं उनको सारा प्रोग्राम एक्सप्लेन करें और वेबसाइट आ, ओपन करके वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है और इसके लिए वहाँ पे कोर्सेस हैं अलग अलग कोर्सेस हैं जैसा कि मैं बताया लड़कियों के लिए अलग से प्रोग्राम हैं और जो टेंथ पास नहीं है आलमी दीन हैं और वो टेंथ पास नहीं है तो उनके लिए श्रीरंगापटनम में मैसूर के करीब एक खसूस सेंटर बनाया गया है वहाँ पर सारे रहेंगे और उनको या के जरिए टेंथ पास कराने की हमारी कोशिश है और मौलाना खालिद सैफुल्ल रहमानी साहब की सरपरस्ती में एक खसूस प्रोग्राम बनाया गया है इसके सिर्फ दो ब्रांचेस होंगे एक बीदर में होगा हेड ऑफिस में शाहीन की कर्नाटक बीदर में होगा और एक दरभंगा में ख़ुद मौलाना मोहतरम के मदरसे में होगा दरभंगा में होगा इसमें तरीक़ार ये है कि ऐसे उफाज जो बारह साल के हैं या उससे कुछ कम है उनको हम लेकर पाँच साल इंटीग्रेटेड कोर्स बनाया गया है जिसमें डिप्लोमा इन इस्लामिक स्टडीज होगा और साथ ही साथ उनको ट्वेल्थ तक पास कराया जाएगा यानी दो साल में उनको टेंथ के लिए के या न के ज़रिए के काबिल बनाया जाएगा और फिर बाद में एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ करवा कर उनको मुख्तलिफ़ स्ट्रीम्स में साइंस में आर्ट्स में उनको भेजा जाएगा फिर बाद में वो किसी बड़े मुस्ंद इदारे आलिमियत के लिए वो तैयार होंगे या वो आ, किसी डिग्री कोर्स के लिए आ, किसी यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन लेंगे हमारा मानना है कि लाशोरी में बच्चे हिफ़्स कर रहे हैं और ला शौरी में आलिमियत ज्वाइन कर रहे हैं ये कोई ज़्यादा मुनासिब नहीं है हमारा मानना है शूर के साथ चॉइस के साथ रत के साथ आलिमियत का कोर्स लें और हिफ करें और उसके बाद आलिमियत में ज्वाइन करें ये हमारी ख्वाहिश है और इस बात उलमाए कराम बहुत पसंद किए हैं ख़ास तौर पर मौलाना अरशद मंदी साहब खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब मौलाना महमूद मंदी साहब खुसूसन इस कॉन्सेप्ट के ख़ायल हैं कि शौक़ के साथ रगबत के साथ आलिमियत करने वाले वाले हों तो वो यकीनन मिलत की कौम की खिदमत करेंगे और सही मानों में दीन इस्लाम बरदरान वतन के सामने पेश करने के काबिल होंगे एडमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा एक सवाल है देखिए एडमिशन के लिए बहुत सिंपल है वैसे हमारे वेबसाइट पर जाएं, किसी से मदद लें किसी से मदद लें और वेबसाइट पर जाएं। बहुत सिंपल है किसी से मदद मदद लें उनसे बताएं कि मदरसा प्लस मदरसा प्लस पी एल यू एस मदरसा प्लस डॉट ओ आर जी इस वेबसाइट को खोलिए और किसी की मदद से उस पर जाइए तफसीला देखिए अपना करीबी सेंटर आपका चॉइस का सेंटर बताइए और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कीजिए और टी तलबा के सिलेक्शन के सेंटर भी बनाए गए हैं ये साठ सेंटर तलबा के लिए इंटरव्यू के लिए तय हैं इसके अलावा आ, पचास और सेंटर हैं जहाँ पे सिर्फ तलबा का सिलेक्शन का सेंटर बनाया गया है मैं उनके भी शुक्रगुजार हूँ उनका सपोर्ट है मजीद कोई लोग अगर अपने तौर पर तलबा का सिलेक्शन करके भेजना चाहते हैं तो उनके लिए भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हुफ़ास को सिलेक्ट कीजिए और हमारे जिम्मेदारों से कॉन्टेक्ट कीजिए वेबसाइट पर जाइए जोनल इंचार्जेस हैं जैसा कि हमारे छः जोन बनाए गए हैं पूरे इंडिया में छः जोन बनाए गए हैं एक जोन है बीदर उसके लिए अलग से ज़िम्मेदार हैं जोनल कोऑर्डिनेटर हैं और जोनल एडमिनिस्ट्रेटर हैं दूसरा जोन है बैंगलोर तीसरा पटना है फिर दहली में दो जोन बना दिए हैं दहली ए एंड बी इस तरह से लखनऊ छः जोन हैं और साठ मदारस हैं हमारी वेबसाइट पे हर जोन के एडमिनिस्ट्रेटर और कोऑर्डिनेटर दोनों के फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं इस तरह से आप लोग जो वेबसाइट ओपन नहीं कर सकते किसी वजह से या कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आपसे ख्वाहिश है तलबा से या उनके पेरेंट्स से एक वाट्सअप नंबर है हमारा नाइन सेवन थ्री नाइन टू ज़ीरो डबल एट फाइव सेवन इस व्हाट्सअप नंबर पर एक कागज़ पर तफसीलात अपने लिखकर कर आ, इस पर व्हाट्सअप कर दें या टेक्स्ट उस पर लिख दें मज़मून लिख दें अपनी तफसी टाइप कर दें और फारवर्ड कर दें भेज दें तो इन शाला आपको यहाँ से कॉन्टेक्ट किया जाएगा और आपकी रहनुमाई की जाएगी इसके अलावा एक फ़ोन नंबर है नाइन सिक्स टू डबल ज़ीरो थ्री फाइव एट फोर ज़ीरो इस नंबर पे भी कॉल किया जा सकता है और साथ ही साथ एक टोल फ्री नंबर हमारा है आ, जो जिसके लिए कभी भी फ़ोन रिसीव यहाँ पर किया जाता है एक टूल टोल फ्री नंबर है आ, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वन एट डबल ज़ीरो वन टू वन सिक्स टू थ्री फाइव इस पर जाकर भी जो है इनसे भी डिटेल ले सकते हैं और आ, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं करीबी सेंटर की इंटरव्यू की डेट मालूम कर सकते हैं और वहां जाकर इंटरव्यू देके सिलेक्शन कर सकते हैं एक सवाल है कि स्टडी सेंटर कब से स्टार्ट होने वाला है देखिए सारी तफसलत लिखी हुई हैं वेबसाइट पर दिए गए हैं बीस में से बाबा क्लासेस शुरू हो जाएंगे बीस में से बाबा क्लासेस शुरू हो जाएंगे हर जगह हमारे स्टाफ पहुंचेगा। एक सवाल ये भी आता रहा है वो हम बीजर ही में एडमिशन लेंगे ऐसा नहीं है बीदर के सिलेक्टेड टीचर्स बीदर के ट्रेन टीचर्स ये तमाम हमारे मराक में जा रहे हैं वही सिस्टम वही तरीक़ार बीदर का सिस्टम ही वहाँ पर हर जगह इन रहेगा, और आप बिला तकलुफ़ अपने ख़रीबी सेंटर पे जा सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स का इशरार है तो यहाँ पर जैसा कि पहले से हुआ करता था हफाज के लिए फिफ्टी परसेंट फीस होती थी जो रेगुलर फीस है टेंथ के लिए उसकी उससे उफाज के लिए फिफ्टी परसेंट फीस की जाती है जैसे कि आ, हाफ गैर हाफिजों के लिए एक लाख दस हज़ार रुपये फीस है तो हाफिजों के लिए फिफ्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ फ़ीस ली जाती है बीदर में और टेंथ पास उफाज को इस प्रोग्राम के तहत मदरसा प्लस स्कीम के तहत प्रोग्राम के तहत टेंथ पास उफाज ट्वेल्थ पास उफाज और डिग्री पास उफाज को उफाज और के लिए आ, ये मौका रहेगा इब्तद हम सिर्फ़ उलमा और हफाज के लिए ही ये प्रोग्राम शुरू किए थे लेकिन कुछ बुज़ुर्गों का ज़िम्मेदारों का ख्याल था एहसास था कि साथ ही साथ इस्कूल ड्राप आउट गरीब यतीम बच्चे यतीम बच्चे जो इस्कूल में पढ़ रहे थे सेवन में एट्थ में फेल हो गए या उनसे निकाल दिए गए लॉकडाउन में उनका मसाइल हुए तो ऐसे यतीम बच्चों के लिए औरफन बच्चों के लिए भी दस परसेंट कोटा हमारे उफाज के साथ अलहमदिल्ला रखा गया है ऐसे उफाज को भी आप से गुजारिश है तमाम नाजरीन से गुजारिश है तीन बच्चों को भी सेलेक्ट करके आप भेज सकते हैं सेंटर्स में गाइड कर सकते हैं आ, क्योंकि मगरब और ईशा के दरमियान का वक्त बहुत ही लिमिटेड होता है आ, और नार्थ इंडिया में शायद सुबह आठ को नमाज होती है तो हम अपनी गुफ्तु को मख्तर करते हुए आ, मैं आखिर में तमाम आ, नाजरीन से मदरसे के ज़ुमेदारों से अंजुमनों से एन जी ओ से सोशल वर्कर से इस्कूल के टीचर से तमाम हजरात से हदबंद गुजारिश करूँगा कि वो हमारी वेबसाइट पर तफसलत देखें और हफास को यतीम बच्चों को ललमा को उनकी रहनुमाई करें उनको गाइड करें हमारी वेबसाइट मदरसा प्लस एम ए डी डी आर एस से पी एल यू यस मदरसा प्लस डॉट ओ आर जी सारे तफसलत आप लोग देखिए और हुफास तक पहुंचाइए एक सवाल फिर एक आ रहा है आलिमा टेंथ पास को क्या वीजर आना है नहीं आलिमा के लिए म और हाफिजा के लिए सात सेंटर छः सेंटर रखे हुए हैं वो तमाम सेंटर्स में इन लोगों के लिए अच्छा टेंथ पास आलिमा को बीदर में मौका दिया जाएगा क्योंकि वो टेंथ पास हैं बीदर में मौका दिया जाएगा इस स्कीम के तहत ही इन मौका रहेगा या नो स्टूडेंट्स नीट एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं क्या एक सवाल है या ना उसके बच... तलबा नीट में बैठ सकते हैं मेडिकल कोर्स ले सकते हैं आईएएस आईपीएस सब कर सकते हैं गुश्ता कुछ दिन के लिए इस पर गुफ्तू हुई और इसको वाजे कर दिया गया है एक सवाल मुझे पहले पूछा गया था कि कहीं आइंदा या या की, की जो है आ, को रिजेक्ट कर दिया जाएगा वो एन आई इस पास बच्चों को आइंदा मौका नहीं मिलेगा ऐसा ख़तें नहीं है इन ये किसी भी बोर्ड से सी से कम नहीं है इसको कहीं भी पूरी दुनिया भर में उसको कबूल किया जाता है एक सवाल ये आया है कि ये उर्दू मीडियम है और इसके ज़रिए आइंदा तकलीफ़ होगी देखिए ऐसी बिल्कुल ये बात गलत है और हमारा फैसला अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर माहरी के साथ मशवरा करके और हमारे ये पैंतीस साल के तजुर्बात की बुनियाद पर है ये तालीम इब्तदाई तालीम ही है उफाज के लिए हो और चाहे वो चौदह साल पंद्रह साल अठारह साल के हों इब्ती तालीम है और ये फितरी बात है कि इब्तदाई तालीम बच्चे की अपनी मादरी जबान में होना चाहिए इसलिए सोच समझ कर हम उर्दू में ये शुरू किए हैं और इसके बाद टेंथ के बाद जैसा कि मैं अभी बताया फुफास जो कभी नहीं पढ़े थे उनको हम इनाज़ के ज़रिए उर्दू मीडियम के जरिए टेंथ पास करा दिए और वो फिर अब एलेवंथ ट्वेल्थ साइंस में बायोलॉजी मैथमेटिक्स के साथ साइंस के साथ इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लिए और उसके बाद माशाल्लाह वो सक्सेसफुल हुए हैं 96.55 परसेंट ऐसे ही हुफास का उलमा का रिजल्ट आया है तो इसमें कोई नहीं है उर्दू मीडियम में पढ़ना चाहिए और न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल साफ साफ बताती है कि बच्चे की इब्तई तलीम यानी फिफ तक कंपलसरी करें हैं, उसके बाद तक उसको सजेस्ट किए हैं कि मादरी जबान में हो उसके बाद में इंग्लिश मीडियम को सजेस्ट किया गया है या इंग्लिश मीडियम हो सकता है तो उर्दू मीडियम की वजह से कोई नुकसान नहीं होगा हम मुल्क भर केमाए कराम दानिश्वरों और मदरसों के जिम्मेदारों से गुज़ारिश करते हैं कि इस प्रोग्राम की सरप्रस्ती करें और इसके लिए माशाल्लाह लोग आगे बढ़कर ताऊन ताउन कर रहे हैं वो तमाम वो लोग जो ताउन कर रहे हैं जिसमें शरीफ फाउंडेशन है सहायता ट्रस्ट है और बेरीज इंस्टीट्यूशन है परवास फाउंडेशन है इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ और इस तरह से नॉलेज के के ई सी टी ग्रुप की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है मज़ीद लोग आगे बढ़कर इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को सपोर्ट करेंगे और हमारा मानना है कि इन श्ला एक ये तहरीक आगे बढ़ेगी और दीनी ऐसी तालीम के इम्तज़ाज की जो बात हो रही थी उसको इम्प्लीमेंट होंगे ये हमारे मदरसे आबाद हो जाएंगे और मदरसों में दीनी ऐसी तालीम का सिलसिला शुरू होगा दो सौ साल पहले तक ऐसा ही हुआ करता था उस ज़माने का बेहतरीन आलिम दिन बेहतरीन आर्किटेक्ट हुआ करता था और बेहतरीन हाफिज़ बेहतरीन तबीब होता हुआ करता था डॉक्टर हुआ करता था हम दोनों को अलग अलग करके यकीन बड़े नुकसान में आए हैं तो फिर से ये माहौल बनेगा आ, हमारा मानना है कि पाँच परसेंट बच्चे अगर बदलें नौजवान बदलें दस साल से अठारह साल के चौदह साल से अठारह साल की उम्र के पॉपुलेशन हमारे मुल्क में टेन परसेंट होता है यानी हर दस अफराद के दरमियान में एक बच्चा इस उम्र का होता है अगर इन उम्र इस उम्र के बच्चों को नौजवानों को सपोर्ट करें उनको अच्छे माहौल में रखें और मदरसे के माहौल में रखकर उनको बुनियादी तालीम दे दें जो फ़र्ज आयन है बुनियादी दीनी तालीम उनको देना फ़र्ज आयन है और ये काम हो जाए दो साल के लिए ऐसे बच्चों को मदरसों के माहौल में रख कर उनको मेहनती बनाएं उनके लाइफ स्टाइल को ठीक करें और उनको ज़रूरी दीनी तलीम देने का एक रिवाज शुरू हो जाए तो इन तालीमी तालीम का एक बहुत बड़ा मसला इन शाबू में आ जाएगा आ, मैं तमाम शुरुका का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे अख्ताम पे पहुंचा रहा हूं और गुजारिश करता हूं कि तमाम हफाज तक हमारा ये मैसेज ज़रूर ज़रूर पहुँचाएँ अलमैकम्ल बरकता